नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने एक ऋण 1 साल का और बेनक्राफ्ट पर 9 माह का बैन लगाया है। पूरी दुनिया में इस समय सिर्फ बॉल टेम्परिंग की घटना के बारे में ही बात चल रही है। इस बैन की असली वजह भले ही बॉल टेम्परिंग निकल कर सामने आ रही हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इस सख्त रवैये की असली वजह कुछ और ही है। आपको याद हो, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेतन विवाद के चलते मैच खेलने से मन कर दिया था। इस मामले में स्मिथ और वार्नर ने ही अपने पक्ष के लोगों को लीड किया था। वेतन विवाद में न खेलने की बात भी इन दोनों ने ही सबसे पहले कही थी। अभी तक क्रिकेट के इतिहास में बॉल टेम्परिंग कई बार हुई है, लेकिन सजा के तौर अधिकतम 1 ऋण 2 मैचों का बैन लगाया गया। लेकिन आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि बैन 1 साल का लगा? कारण सोच समझ कर बॉल टेम्परिंग को बताया जा रहा है, लेकिन बिना प्लानिंग के तो कभी भी बॉल टेम्परिंग नहीं की जाती। यदि किसी टीम को उससे फायदा हो सकता है तभी बॉल टेम्परिंग होती है। कुछ भी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इस रवैये से इन दोनों के क्रिकेट पर बड़ा असर पड़ सकता है और ये भी हो सकता है कि इस घटना से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल का अपना बदला भी ले लिया हो।